प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव पहुंच रही है। वहीं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा नारसन विकास खंड के निजामपुर और नसीरपुर पहुंची, जहां पर सरकार के तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गई, साथ ही ग्रामीणों ने अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। एडीओ पंचायत धर्मपाल तेज बान ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ घर द्वार पर पहुंचाया जा रहा है, जिसमें आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, किसान कार्ड समेत अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। मोदी जी के नेतृत्व में ये एक संकल्प लिया गया है कि 2047 तक भारतवर्ष को विकसित भारत बनाएंगे हम सब मिलकर। उसके माध्यम से ये यात्रा प्रत्येक गांव में चल रही है, प्रत्येक विकास खंड की तरफ से हर गांव में जा रही है। उसी निमित्त आज नारसन खंड के निजामपुर गांव में ये यात्रा आई है और इस यात्रा में विकास खंड के जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जन जन के लिए, उसके बारे में यहाँ पर सभी विभाग के कर्मचारी थे, उन्होंने उस योजनाओं के बारे में बतलाया है जिससे कि योजनाओं का लाभ मिल सके और हमारे जितने भी इस गांव के निवासी हैं उन योजनाओं का लाभ लेके वो खुद शिक्षित रहें, स्वस्थ रहें और स्वावलंबी रहें, यही हमारा इस यात्रा का ध्येय। भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम ग्राम पंचायत निजामपुर में है, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना के माध्यम से सभी योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं उनको आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए है। कौन कौन सी योजनाएं चल रही, वो धरातल पर चल रही हैं या नहीं और उनकी क्या जानकारी है, वो विस्तृत रूप से जो यहाँ विभाग उपस्थित हुए उनके द्वारा दी गई। ऐसा ऐसी समस्याओं को उनसे उनके समस्याएं नोट की गई और उन समस्याओं का निराकरण उनके विभाग के द्वारा करा दिया जाएगा।